नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हिंदी प्रथम का पाठ 10, एक जरूरी बात जो आप सबको समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि अच्छे स्पर्श व बुरे स्पर्श के बारे में आपको जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो वो अच्छी भावना से कर रहा है या बुरी भावना से। बदलते जमाने में हमें अच्छे और बुरे स्पर्श का ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हमें छू रहा है तो उस पर उसके पीछे जो उसकी भावना है वो सही है या नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके स्पर्श से आपको आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हो, लेकिन क्या कभी आपने किसी अन्य के छूने से घबरा गए हो? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में यही लिखेंगे। इस अध्याय में हमें ये सिखाया जाएगा कि जो अच्छा और बुरा टच होता है उसके होने पर हमें क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देख लेंगे। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। फर्क यानी कि अंतर। परिचित यानी कि जान पहचान वाले। सावधान यानी कि सचेत। इस अध्याय की ओर चलते हुए, ये अध्याय जो है एक पत्र है। प्यारे बच्चों, सुभाषीष, आप सदा सुखी व सुरक्षित रहें। आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। तो हम ये देखेंगे कि ये पत्र कौन लिख रहा है। ये पत्र लिख रहे हैं आपके अंकल, ठीक है। और जो बच्चे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको किस तरीके से अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे हमें बता रखा है कि बच्चों, बदलती दुनिया के साथ लोगों की सोच बदल रही है। इस दुनिया में केवल अच्छे लोग नहीं रहते, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, अच्छे और बुरे। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो बड़े भाई बहन, माता पिता और दादा दादी की तरह व्यवहार करते हैं, फिर आपको छूते हैं। जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो सब जब हमें छूते हैं तो हमको बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको छूते हैं तो आपको उनका छूना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग गंदे होते हैं। मम्मी पापा और दादा दादी के छूने में और गंदे लोगों के छूने में बहुत फर्क होता है। ऐसे लोग आपको ऐसी जगह पे छूते हैं या फिर चूमते हैं जो तेज दबाते हैं, जिन जगहों पर मम्मी पापा दादा दादी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत गंदे होते हैं और ये आपके परिचित भी हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, और अपरिचित भी जिनको आप नहीं जानते हो। ये अपनी बात किसी दूसरे को बताने के लिए आपको मना भी करते हैं कि आप, मैं जो भी काम कर रहा हूं या कर रही हूं आपको किसी को मत बताना। ऐसे लोग आपको घर, विद्यालय दोनों जगह मिल सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान यानी कि सचेत रहना चाहिए। ये आपको चॉकलेट, खिलौने, पैसे आदि का लालच भी देते हैं। ये आपको डराते धमकाते भी हैं। इन गंदे लोगों की एक और पहचान बताता हूं। ऐसे लोग सबके सामने आपको कभी भी छूते नहीं है, क्योंकि जो उनका छूना होता है वो एकदम गलत होता है, इसीलिए वो सबके सामने ऐसा नहीं करते हैं। आगे बता रखा है कि इसके अलावा ऐसा समय खोजते हैं जब आप अकेले हो। इन लोगों की बातें अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, स्कूल में अपने सबसे अच्छे मैडम या फिर सबसे अच्छे सर से उसी समय बता देनी चाहिए। छुपाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतने सावधान रहोगे तो कभी कोई आपको गलत तरीके से नहीं छू सकेगा। ऐसे गंदे लोगों को सजा भी दिलवाई जा सकेगी। इस बदलती दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको इतना चौकन्ना यानी कि सावधान रहना ही पड़ेगा, और गुड टच और बैड टच के फर्क को समझना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास है यानी कि भरोसा है कि आप अपने अंकल की ये जरूरी बात समझ गए होंगे और इसका ध्यान रखेंगे। आपको भी क्या करना है, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, इस तरीके से छू रहा है, गलत तरीके से छू रहा है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको
इन सब बातों को छुपाना नहीं है। जो भी आपके साथ है, आपके बड़े हैं या स्कूल में हो, तो जो भी आपके सर और मैडम है, तो उनको जल्दी से जल्दी इन बातों के बारे में बताना है। शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आप इस समस्या से इसका सामना नहीं करोगे, इसे छुपाओगे, तो ये सब बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपको गुड टच और बैड टच के बारे में समझना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। ये हो गया है बच्चों हमारा अध्याय। अब आपको क्या करना है, इस अध्याय को खुद से पढ़ना है ताकि आप अच्छी से रीडिंग कर पाओ। आज की मैं मेरी कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।